In this video, we take a numerical problem which is based on chapter number 3rd. Topic is the motion of a particle vertically downward. Okay. A man drops a ball downside from the roof of a tower of height 400 meters. At the same time, another ball is thrown upside with a velocity 50 meters per second from the surface of the tower. Then they will meet a which height from the surface of the tower. देखो man drops क्या करता है, एक ball को downside from the roof of tower of height. जो tower है, एक tower roof ऑफ टावर, टावर की रूफ से, और उसकी हाइट दे रखी है 400 मीटर. वहाँ से एक मैन है, बॉल को ड्रॉप करता है, ठीक है, डाउन साइड नीचे की ओर. एट द सेम टाइम उसी समय क्या होता है, अनदर बॉल, दूसरी बॉल को थ्रोन अप साइड, नीचे से एक दूसरी बॉल को फेंका जाता है, और उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर, टावर की सरफेस से. देन दे विल मीट एट विच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर, ठीक है, वो कितने टाइम बाद मिलेंगी, ठीक है, और उसकी हाइट क्या होगी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसे. सपोज दैट ये हमारे पास टावर की रूफ है, ठीक है, जिसकी हाइट क्वेश्चन में गिवन है एच इक्वल 400 मीटर. This height is given in our numerical. A ball drop vertically downside from the roof of the tower, and in at the same situation, same time, another ball vertically upward from surface of tower. दूसरी ball को ऊपर की ओर, और एक ऊपर से जो टावर की रूफ से एक बॉल को नीचे की ओर क्या किया जाता है, इसे ड्रॉप किया जाता है, इसे थ्रो किया जाता है. ये सपोज दैट बॉल हमारे पास ए है, ये बॉल बी है. तो हम लेट द पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर हम मानते हैं कि वो बॉल आकर क्या होंगी, मीट, एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है. तो वो टाइम, सपोज दैट इस बॉल को इस पॉइंट पी तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम पूछ रहे हैं कि दोनों बॉल्स जो होंगी वो कब मिलेंगी, टाइम पूछ रहे हैं, किस टाइम बाद दोनों वो बॉल मीट टू ईच अदर, ठीक है. तो लेट बोथ बॉल्स मीट एट पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, टी टाइम. तो द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ बाई बॉल ए, ए जो बॉल है वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, ठीक है. अब इसे समझते हैं. सपोज दैट यहाँ से हमने बॉल को वर्टिकली क्या किया है, डाउनवर्ड ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास यू क्या आएगा बेटा, यू आएगा हमारे पास जीरो. इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो, ठीक है. तो एच वन, हम इसे हाइट h1 निकाल ले रहे हैं, ठीक है, h1 इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u इस कंडीशन में जीरो है हमारे पास. दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉल. अब आप ये देखिए, बॉल क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड की है. फार्मूला होता है h इक्वल, फार्मूला क्या होता है, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u हमारे पास जीरो है, इसीलिए h1 क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर. नेक्स्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉल b, बॉल b के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, मीन्स h2. अब वर्टिकली हम क्या है, अपवर्ड कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव वाला साइन ध्यान रखेंगे. h2 इक्वल u2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगेगा. तो h2 इक्वल u2, u क्या है हमारे पास, यहाँ कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इस बार जीरो नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है बॉल बी के लिए, और इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कुछ ना कुछ होगी, तभी ये क्या करेगी, मोशन करेगी ऊपर.
दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एच वन इक्वल हाफ जी टी वन स्क्वायर, एच टू इक्वल क्या है, ठीक है, तो एच टू इक्वल इन प्लेस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर बी पुट हेयर एच वन, तो एच टू इक्वल यू टू माइनस एच वन. ओके, तो एच वन प्लस एच टू, इस एच वन को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो एच वन प्लस एच टू इक्वल यू टू यू टी. अब टोटल हाइट गिवन इन ऑवर क्वेश्चन, टोटल हाइट विल बी 400 इक्वल, और जो ब्लॉसिटी है वो बी की, इनिशियल ब्लॉसिटी गिवन इन ऑवर क्वेश्चन इज 50. देन द टाइम हेयर विल बी 400/50 एज 400/50, ये 400/50 मीन्स टाइम विल बी 8 सेकेंड. तो टाइम क्या आएगा, 8 सेकेंड के बाद वो बॉल्स होंगी इस पॉइंट पी पर मिलेंगी, ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, एच वन इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, तो हम वो एच वन हाइट निकाल लेते हैं. तो हाइट कैसे निकालेंगे, एच वन इक्वल हाफ जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू कितना है 8 रख देंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड कैलकुलेट कर लेंगे, एच वन आएगा 320 मीटर. मतलब जो हमारे पास यहाँ जो बॉल होगी वो कितनी हाइट कवर करेगी, 320 मीटर हाइट कवर करने के बाद बॉल बी से वो मीट करेगी, मिलेगी. और जब एच वन हमारे पास 320 मीटर आ गया, तो एच वन प्लस एच टू टोटल है कितना, 400 है, तो एच वन की इस बार वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एच वन 320 प्लस एच टू 400, एच टू कितना आ जाएगा, 400 माइनस 320 यानी 80 मीटर. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,